जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा शेयर किया गया एक्सपीरियंस है, सेल्फ एक्सपीरियंस, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें यदि आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं किशन कुमार को मेरी ओर से और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यहां तक मुकाम हासिल किया है और अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ताकि आप जैसे आगे आने वाले सभी भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए एक मोटिवेशन की मिसाल बन सकें और आपको एक मार्गदर्शन मिल सकें। तो चलिए गाइज, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो कि ये जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप के 2 से 4 मिनट आप जरूर देखें, ताकि आपके कुछ अंदर तक की भावनाएं हो, जागृत हो, अपना दिमाग सही तरीके से काम करें। तो गाइज, इन्होंने सबसे पहले लिखा है, सर नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई सेल्फ एट दिस मोमेंट। गाइज, इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ, यह जो मोमेंट, ये जो क्षण है बहुत ही मेरे लिए, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड टू द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है, तो यह क्षण है, यह एक मोमेंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशी का एक पल है। मैं आज यहाँ पर अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स और अपने गुरु की वजह से पहुँच पाया हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैं यहाँ तक जो पहुँचने का प्रोसेस है, पहुँचने का जो एक मार्गदर्शन है, वो मेरे माता पिता, जो हमारा परिवार है और जो हमारे गुरुजी हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसके लिए मैं इनका सबका जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। इन्होंने लिखा है कि जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। सर, जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, जब ये सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज की, उस समय ये प्रिपरेशन इन्होंने स्टार्ट की थी इंडियन एयरफोर्स की। मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि कॉलेज के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, क्योंकि स्थिति ऐसी होती है दोस्तों, करने को मजबूर कर देती है कि करना पड़े कुछ ना कुछ, ताकि अपना गुजारा भी चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मैं जब तक क्या करता था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ, इसलिए जो प्रिपरेशन थी वो नहीं हो पा रही थी, यानी एक जो प्रॉपर ढंग में नहीं हो पाता है। यदि आप एक लक्ष्य के पीछे अच्छे तरीके से पूरी ताकत नहीं झोंकते हैं, तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यही कारण बन रहा था कि जब पढ़ाई कर रहे थे साथ साथ में, तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, पढ़ाई सही ढंग से प्रॉपर वे में नहीं हो रही थी, यही कारण था। आई डिसाइड टू लीव माई पार्ट टाइम जॉब। इन्होंने जो निश्चय कर लिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब को छोड़ूंगा, तो इन्होंने छोड़ दिया। और फिर जो मेरे सिस्टर एंड पापा की वजह से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जो इनकी सिस्टर थी, बहन, और इनके जो पिताजी थे, इन्होंने इनको मोटिवेशन दिया एक, और इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और इनकी सहायता भी काफ़ी अच्छी की, ताकि इन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी और कॉलेज एग्ज़ाम को रिस्क में लेकर एयरफोर्स की तैयारी में लगा दिया। जो कॉलेज की एग्जामिनेशन थी या जो भी प्रोसेस था कॉलेज का सेकंड ईयर का, तो वो उन्होंने क्या किया, उसको इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, मतलब रिस्क पे छोड़ दिया। यदि होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, दोनों इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने दोनों तरीके से कॉलेज को बिल्कुल एक साइड कर दिया, और अपनी जो मेन जो ताकत थी, अच्छी लगन से और मेहनत जो करनी थी, वो इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एग्जामिनेशन के लिए की। तो एयरफोर्स की तैयारी में अच्छी तरीके से ये जुट गए, जिसके बाद में इन्होंने लिखा है कि जिसका रिजल्ट आज मेरे सामने है, जो इन्होंने मेहनत की, इसका जो रिजल्ट है वो मेरे सामने है। इसलिए पहले मैं नेवी में भी सिलेक्ट हो जाता, लेकिन यदि नेवी एज लिमिट 21 से 20 ईयर ना करता। तो इन्होंने लिखा है कि गाइस, मतलब कि 21 ईयर वाला जो आपने अपडेट देखा था, हम सभी ने भी देखा था, इंडियन नेवी ने अपनी एज लिमिट के क्राइटेरिया को घटा दिया था, इसकी वजह से इनका सिलेक्शन उस बेंच में नहीं हो पाया था। और ये इन्होंने जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से कर रहे थे और हो भी चुकी थी इनकी लगभग कंप्लीट, ओके। लेकिन आपको पता है ना सर, कि जिसको जहाँ जाना होता है, अगर वो मेहनत करता है तो डेफिनेटली
सक्सेस मिलती है। यानी इन्होंने साफ साफ यहाँ पे सही शब्दों में लिखा है कि जिसको जिस जगह पर जाना है, जिस स्थान पे जाना है, जिस लक्ष्य की ओर जाना है, तो यदि वो मेहनत करेगा तो आराम से उस जगह तक पहुँचेगा, अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक पहुँचेगा। उसे मार्ग में कठिनाइयाँ आ सकती है और बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो जरूर ही पहुँचेगा यदि उसने अच्छे तरीके से ठान लिया और लगातार वो मेहनत कर रहा है उसके ऊपर। इन्होंने लिखा है गाइस आगे कि जो ये बेंच अभी रन कर रहा है, ये मेरे कॉलेज का भी लास्ट यानी फाइनल ईयर का जो वर्ष था इस बार का, लेकिन COVID-19। तो गाइस आगे इन्होंने लिखा है कि इस बार यदि COVID-19 नहीं होता तो इनकी कॉलेज की पढ़ाई भी क्लियर हो जाती और ये अपने ज्वाइनिंग पे चले जाते इस समय तक। इन्होंने ये लिखा है COVID-19 की वजह से बहुत सारे एग्जामिनेशन है पोस्टपोन हो चुके हैं, नए एग्जाम डेट भी आए हैं, तो वो अलग प्रोसेस था। COVID-19 एक बहुत बड़ी महामारी थी, तो इसके अंदर भी इन्होंने अपना जुनून और तैयारी हौसला है वो बरकरार रखा है। उन्होंने लिखा है यदि COVID-19 नहीं होता तो आज मैं ग्रेजुएट होकर ट्रेनिंग पर जा चुका होता। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक इन्होंने अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, आप सभी के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होगा ये। और इन्होंने ये भी लिखा है ये मेरी सिलेक्शन तक का स्ट्रगल मोमेंट है। इन्होंने जो कड़ी मेहनत की है, कठिनाइयों का सामना किया, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो अपनी पूरी जान ताकत झोंकी है वो यहाँ पर है। इन्होंने मेहनत की है, एक कठिन से कठिन मोमेंट से गुजर कर यहाँ तक पहुँचने का जो एक प्रोसेस था वो आपके साथ शेयर किया है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से, उन्होंने लिखा है कि अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं विद स्मार्ट वर्क, यदि आप हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, एक अच्छा कार्य होना चाहिए ताकि आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आपने मेहनत बहुत की लेकिन सही ढंग से नहीं की तो फिर उसका कोई फायदा नहीं रहता है। तो यही आपको करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। ऐसा आप करोगे तो आपको 100% ही सक्सेस मिलेगी। और यही 2-4 साल तो है टाइम है, फिर बाकी की लाइफ तो रॉयल होने वाली है या वही प्राइवेट जॉब रहने वाली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस इसका मैटर ये डिपेंड नहीं करता है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है और मैं इसके माध्यम से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या जिस भी डिफेंस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं, तो डिफेंस के अंदर बहुत सारे स्टाफ कमीशन है, तो उसके अंदर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए मोटिवेशन है, आपके लिए एक मैसेज है, आपके लिए एक पॉजिटिव थिंक है। तो गाइज ये आपको विचार करने की बात है इसके ऊपर कि आपको प्राइवेट जॉब अलग होती है, जो प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं वो अलग बात है, मैटर नहीं करता यहाँ पे, लेकिन जो इसके अंदर जाना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स इस वीडियो को जरूर से देखे हैं, तो इनको जरूर से देखा है कम्प्लीट, तो उनको ये मैसेज अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो इन्होंने लिखा है कि अच्छी तरीके से 2-4 साल का जो समय होता है उसको गंवाना नहीं है, यदि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसी के ऊपर पूरा झोंक देना है, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, हार्ड वर्क के साथ साथ कठिन कार्य जो आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका कार्य है वो अच्छा होना चाहिए, सही दिशा में और सही मार्ग पे होना चाहिए ताकि आपको इस चीज़ की गलती ना हो और आप गलती ना करें ताकि आप उस लक्ष्य से ना भटक जाएं। जय हिंद जय भारत। तो गाइस इनका ज्वाइनिंग लेटर और इनकी इमेज भी अभी मैं शेयर करने वाला हूं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना इस बार शेयर किया है एक्सपीरियंस, जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है कि हमने क्या क्या स्ट्रगल की है, तो आप भी अपना शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये जो आपको नीचे नंबर दिख रहे हैं इसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 8239170356 पे आप शेयर कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आप शेयर कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से सोशल मीडियाज के माध्यम से आप हम तक शेयर कर सकते हैं अपना मैसेज, ताकि आगे आने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए आपका जो एक मोटिवेशन मैसेज है वो एक मिसाल बन सके और उनको मार्गदर्शन करके सही दिशा में प्रेरित कर सके और उनको अपनी मंजिल लक्ष्य मुकाम तक पहुँचाने में मार्गदर्शन कर सकें। तो गाइस ये आप देख सकते हैं इनका ज्वाइनिंग लेटर है ऑटो टेक के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर। मेन जो लिस्ट है इनकी 19 अगस्त को इनकी ज्वाइनिंग है, बेलगांव में रिपोर्टिंग है, तो इनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ तक हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा, आपका उज्ज्वल भविष्य हो, आपको हमारी ओर से फिर से हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूँ।
किशन कुमार को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में यूं ही ऊंचाइयों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। जो भी कैंडिडेट अपना शेयर करना चाहे एक्सपीरियंस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडियाज के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो वहाँ जाकर आप हमें आपका जो मैसेज है हमारे तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अपडेट आपको सही समय पर सबसे पहले मिले।